इस वीडियो में हम ट्रांज़िशनल डिवाइसेस की कुछ एग्जाम्पल्स से मुतल पढ़ेंगे लेकिन उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस असल में होती क्या है ट्रांजिशनल डिवाइसेस उन अल्फाज या फ्रेजेस को कहते हैं जो दो आइडियाज़ को या दो थॉट्स को आपस में जोड़ रही हों या एक जुमले को दूसरे जुमले से इस तरह से वो जोड़ें के दरमियान में कोई एब्रप्ट ब्रेक या जंप ना आए यानी ऐसे ना लगे कि आपने एक बात की और अचानक से उस बात को बदल के अब आप दूसरी बात कर रहे हैं यानी कि ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो दो जुमलों को आपस में इस तरह जोड़ती है कि वो जुमले बिल्कुल स्मूथली आपको रन करते हुए लगेंगे यानी कि बिल्कुल स्मूथ लगेंगे और उनके दरम्यान में कोई जंप या ब्रेक आपको फील नहीं होगी चले अब हम देखते हैं आगे के हेयर इज लिस्ट ऑफ सम कॉमन ट्रांज़िशनल डिवाइसेस यानी अब नीचे हमारे पास कुछ लिस्ट दी हुई है कुछ कॉमन ट्रांज़िशनल डिवाइसेस से मुतिक जिन्हें हम एक एक करके रीड करते हैं जब हम इन एग्जांपल्स को रीड करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि एक जुमले में ट्रांज़िशनल डिवाइसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं ट्रांज़िशनल डिवाइसिस किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी जुमले का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है चले सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं टू एड अब यहां पर किसी भी थॉट को किसी भी आइडिया को या कोई भी बात को अगर हम ऐड कर रहे हो यानी जमा कर रहे हो एक फर्दर कोई नई चीज बताना चाह रहे हो तब हम इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अब हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड अगेन एंड देन बिसाइड्स इक्वली इंपॉर्टेंट फाइनली further, furthermore, nor, to, next, lastly, what's more, moreover, in addition, first, second, etc. दोबारा इसे रीड करते हैं ये वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो किसी भी थॉट को एड करने के लिए इस्तेमाल हो रही हों यानी अगर एक जुमला जो चल रहा है या एक पैराग्राफ में आप कोई बात कर रहे हैं तो उसमें किसी दूसरी बात को ऐड करने से पहले हम इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे फिर से रीड करते हैं एंड अगेन एंड देन बिसाइड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फाइनली फर्दर फर्दर मोर नॉर टू नेक्स्ट लास्टली what's more moreover in addition first second etc aage chalte hain ab hum. two कंपेर अब ये दूसरी कैटेगरी आ गई ट्रांजिशनल डिवाइसिस की और यहाँ पर क्या है टू कम्पेयर यानी यहाँ पर हम कम्पेरिजन कर रहे होते हैं अब अगर हम कंपेरिजन या मवजना कर रहे हों एक बा जुमले में एक थाट का दूसरी थाट से या एक बात का दूसरी बात से तो हम किन अल्फाज का किन ट्रांजिशनल डिवाइसिस का इस्तेमाल करेंगे यह हम रीड करते हैं वेयर एज बट येट ऑन द अधर हैंड However, nevertheless, on the contrary, by comparison, where compared to up against, balanced against, with a whiz, but although, conversely, meanwhile, after all, in contrast, ऑल दिस मे बी ट्रू अब ये सेकेंड कैटेगरी को दोबारा रिवाइज करेंगे इस कैटेगरी ट्रांजिशनल डिवाइसेस की इस कैटेगरी में हम क्या करते हैं ये वो वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, जिनका इस्तेमाल हम कंपैरिजन के वक्त यूज़ करते हैं यानी जब हम दो चीज़ों का दो थॉट्स का आइडियाज़ का या दो जुमलों का आपस में मुजना कर रहे हों तो फिर हम इन ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे दोबारा से रीड करते हैं Whereas, but, yet, on the other hand, however, nevertheless, on the contrary, by comparison, where, compared to, up against, balance against, with a with, but, although, conversely, meanwhile, after all, in contrast, although this may be true. चलें अब हम इन दो कैटेगरीज को दोबारा से रिवाइज करेंगे ये हमारे पास क्या है ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो दो जुमलों को आपस में या दो थॉट्स को या दो आइडियाज़ को इस तरह से जोड़ती हैं के दरम्यान में कोई एब्रप्ट या फॉरी जंप या ब्रेक ना लगे यानी ऐसा ना लगे कि आप अचानक से एक बात करते हुए दूसरी बात की तरफ चले गए हैं सबसे पहले हमें यह बताया गया था टू एड यानी दो बातों को आपस में जोड़ने के लिए एडिशन यानी जम के लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए या दो थॉट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम ये वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं दोबारा पढ़ते हैं एंड अगेन एंड देन बिसाइड्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फाइनली फर्दर फर्दर मोर नॉर टू नेक्स्ट लास्टली वट्स मोर मोर ओवर इन एडिशन फर्स्ट सेकेंड एक्सेट्रा और अगली कैटेगरी हमारे पास क्या थी कंपैरिजन की यानी कि अगर हम दो जुमलों को आइडियाज को या थॉट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो फिर हम कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे वेअर एज बट येट ऑन द अदर हैंड हाउ एवर नेवर द लेस On the contrary, by comparison, where compared to up against, balanced against, with a whiz, but although, conversely, meanwhile, after all, in contrast, although this may be true. तो ये थी दो बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ट्रांज़िशनल डिवाइसेस की इन एग्ज़ाम्पल्स uh, को पढ़ने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि जुमलों में कहाँ कहाँ हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अब आगे चल के जब आप किसी भी पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आप बेहतर तरीके से ट्रांज़िशनल डिवाइसिस का पता लगा सकेंगे कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन ट्रांज़िशनल डिवाइसेस को दोहराइए ताकि आप भी इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल अपने जुमलों में कर सकें